जय हिंद बच्चों, आज मैं आपको पार्ट 5 मनुज को खोज निकालो पढ़ा रही हूँ। इस पार्ट के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने इस कविता के माध्यम से यही कहा है कि मनुष्य को खोज निकालो, मतलब ऐसे मनुष्य को खोज निकालो जो भेदभाव से ऊपर उठा हुआ हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो, जो अपनी मानवता से भरा हुआ हो। तो इस कविता के माध्यम से वे मनुष्य में या समाज में जो भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब से ऊपर उठकर मानवता से भरे हुए मनुष्य को खोज निकालने की बात करते हैं। आज मनुष्य को खोज निकालो, जाति वर्ण संस्कृति समाज से मूल व्यक्ति को फिर से चालो। इसमें कवि कहते हैं कि ऐसे मनुष्य को खोज निकालो जो जाति वर्ण संस्कृति समाज से ऊपर उठा हुआ हो, तथा जो व्यक्ति इन सब के भेदभाव को दूर करके जाति वर्ण संस्कृति समाज में इस तरह के भेदभाव से दूर रह के मानवता से भरा हुआ हो, इस तरह के मनुष्य को खोज निकालो। देश राष्ट्र के विविध भेद हर, धर्म नीतियों में समत्व भर, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की अंध यवनिका आज उठा लो। समाज में फैले विविध भेदभाव, धर्म नीतियों में जो भेदभाव फैला है उसमें समानता भर के, समता भर के, रूढ़ी रीतिगत विश्वासों की, जो सदियों से चली आ रही हमारी अंधविश्वासी परंपराएं हैं, उस पर्दे को, अंध यवनिका मतलब, यवनिका मतलब होता है पर्दा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे समाज में जो भेदभाव फैला हुआ है उनमें समानता भर के, और जो अंधविश्वास रूपी पर्दा है उसे उठा लो, उसे दूर कर दो। तीसरा है, भाषा भूषा के जो भीतर, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, अखिल अवनि में रिक्त मनुज को केवल मनुज जान अपना लो। भाषा भूषा, भूषा मतलब वेशभूषा, तो भाषा भूषा के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, वेशभूषा के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है, श्रेणी वर्ग से मानव ऊपर, श्रेणी और वर्ग में भी जो समानता नहीं है, भेदभाव फैला हुआ है, उनसे ऊपर उठकर अखिल अवनि से रिक्त मनुज को केवल मनुज ज्ञान अपना लो। मतलब पृथ्वी में इस तरह के भेदभाव रूपी मनुष्य को केवल मनुष्य जानकर अपना लो, उनमें मानवता का संचार कर दो, उनमें भावनाओं का संचार कर दो और उसे मनुष्य जानकर अपना लो। राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत सज्जन दुर्जन, भव मानवता से सबको भर, खंड मनुष्य को फिर से डालो। कवि कहते हैं कि हमारा समाज राजा प्रजा धनी और निर्धन, सभ्य असंस्कृत मतलब असभ्य, सज्जन दुर्जन आदि रूपों में बटा हुआ है। यहाँ पर सभी में मानवता का संचार कर दो, मानवता को भर दो, खंड मनुष्य को, खंड मतलब टुकड़े टुकड़े, तो यहाँ पर मनुष्य के टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े मतलब जिस प्रकार राजा, हमारा समाज राजा में, प्रजा में, धनी में, निर्धन में, इन सब भेदभाव में भर गया है, इन सबको मिटाकर खंड मनुष्य को फिर से डालो। जो हमारा खंड खंड हो गया है समाज, उसको मानवता से भर दो, उसमें मानवता रूपी संचार कर दो और उसे फिर से ढालो, उसे नई व्यवस्था में ढालो। ऐसी व्यवस्था बनाओ जिसमें देश राष्ट्र में जो विविध भेदभाव है उनसे दूर रहें। भाषा भूषा के आधार पर, श्रेणी वर्ग के आधार पर जो भेदभाव हो गए हैं उसे दूर करके सिर्फ मनुष्य को अपनाओ, मानवता रूपी मनुष्य को अपना लो। ये यहाँ पर मनुष्य के बात कही गई है, जो कवि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी कविता के माध्यम से कही है। इसमें आप संदर्भ और प्रसंग लिखेंगे, जैसे इसमें संदर्भ रहेगा कि यह कविता पार्ट 5 मनुज को खोज निकालो से ली गई है, जिसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। फिर आप इसमें लिखेंगे प्रसंग, प्रसंग में रहेगा कि इन पंक्ति में कवि ने सारे भेदभाव को दूर कर नई सृष्टि की रचना करने का आह्वान किया है। ये प्रसंग आप हर पंक्ति में लिख सकते हो,
और अर्थ सबका अलग अलग रहेगा, प्रत्येक पंक्ति का अर्थ अलग अलग रहेगा। तो ये कविता आपको पूर्ण करनी है।